हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवि क्लासेज पर। आज हम आपको बताएंगे 50 VVI हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है ए विवेकानंद की, बी राम कृष्ण परमहंस की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी कालिदास की। तो इसका ए का सही आंसर हो जाएगा डी कालिदास। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है ए ढहते विश्वास, बी धरती कब तक घूमेगी, सी माँ, डी नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दूसरा का ए आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुणवाचक विशेषण है ए 3 किलो, बी 4, सी अधिक, डी अच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अच्छा। चौथा देखिए, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है ए ग्रीस, बी महेंद्र, सी एकैक, डी बागपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बागपति। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अब सर्दियों की ठंडी बुझी राग सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है ए दिनकर की, बी निराला की, सी महादेवी की, डी अगेय की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिनकर की। देखिए छठा क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म मतलब कब हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, ए 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1938। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां अशुद्ध वाक्य है कर्तव्य, बी श्रृंगार, सी रोशनी, डी दुरात्मा। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा बी श्रृंगार। मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपिंज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डी 18। नंबर देखिए, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है ए इफिल टावर, बी ओविनियो, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी अविनियो, ठीक है, 9 का बी अविनियो। 10 नंबर देखिए, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ किस विधा है, पाठ की विधा है ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी कहानी, डी काव्य। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए साक्षात्कार। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है ए एक वृक्ष की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी हिरोशिमा, डी जनतंत्र का जन्म। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है ए अ, बी अध, सी खाई, डी आई। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा, वर्मा क्वेश्चन का ऑप्शन पहले सुन लीजिए ए आ, बी अध, सी अधा, डी अर्म। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ए आ, आ जोड़ धर्म, अधर्म हो गया आ होगा। 13 नंबर देखिए, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है ए ई, बी आई, सी खाई, डी आई। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी आई, इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, अति सुदो स्नेह का मार्ग है जही नेकू सयान बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है ए गुरु नानक, बी प्रेमघन, सी रसखान, डी घनानंद। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी प्रेमघन, घनानंद।
डी में है घनानंद। 15वां देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ए में है 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी 1916। अब 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी का आदि कवि हैं ए चंदबरदाई, बी अमीर खुसरो, सी बिहारी लाल, डी सरहपाद। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा डी सरहपाद। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, साबरदैया खालिस्तान भाषा के सफल कहानीकार है, किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो ए में दिया है हिंदी, बी में मराठी, सी में गुजराती, डी में राजस्थानी। तो इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी? साबरदैया राजस्थानी है ना, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाग्यशाली मनुष्य की खालिस्तान भूमिका है ए नग्न, बी निर्णायक, सी नकारात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का सही आंसर हो जाएगा बी निर्णायक। अब देखिए 19 नंबर, रंगप्पा था मतलब रंगप्पा क्या था? ए देखो दिया है जुआरी, बी व्यापारी, सी वकील, डी किसान। तो ये तो आपको पता है रंगप्पा क्या है, ए जुआरी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य है ए आज की ताज़ा खबर, बी रोटी ताजी है, सी दाल अच्छा है, सी हवा बहता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी रोटी ताजी है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? ए लेखक, बी लेखक के पिता, सी माँ, डी बहन। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी लेखक का पिता, बी पिता इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? ए पैसा चुराने का, बी गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने का, डी मोती चुराने का। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए पैसा चुराने का, वो भी कितना 12 रुपया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? ए ललिन बिलोचन शर्मा, बी अशोक वाजपेयी, सी बीरेन ढगवाल, डी रेनर मारिया रिलके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का डी रेनर मारिया रिलके। 24 नंबर देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है ए राजपूत, बी पवनपुत्र, सी वनवास, डी चौराहा। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा डी चौराहा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में खालिस्तान द प्रधान होता है ए पूर्व, बी उत्तर, सी दोनों, डी सभी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए पूर्व। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए जाति प्रथा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य है अभिलाषा, बी अभिलाषा, सी अभिलाषा, सभी में चुनना है शुद्ध वाक्य क्या है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए अभिलाषा, ये वाला होगा ये 27 का ए। 28 नंबर देखिए, घनानंद कवि हैं रीति मुक्त, बी रीतिबुद्ध, सी रीति सिद्ध, डी छायावाद। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ए रीति मुक्त। 29 नंबर देखिए, जन्म से ही पागल है कौन? ए लक्ष्मी, बी पपाती, सी सीता, डी मंगू। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा डी मंगू। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, 30 का सही आंसर हो जाएगा बी माँ ने मना किया था। और देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज खालिस्तान
साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हुआ था? ए 9.5, बी 10, सी 12, डी 13। 33 का सही आंसर हो जाएगा ए 9.5 साल, 13 साल में उनकी शादी हो गई थी। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा है? ए टी एस इलियट को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मुलर को, डी राजा राय मोहन राय को। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी मैक्स मुलर जी को। 33 नंबर देखिए, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है? ए श्रीनिवास, बी सावरदैया, सी सुजाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ए श्रीनिवास, दही वाली मंगम्मा का श्रीनिवास जी। स्वर संधि का उदाहरण है वाग्य देवी, बी अच्छादन, सी वसुद सब, डी पुनर्जन्म। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सी वधु सब। 35 नंबर देखिए, ललित निबंध है ए मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, डी नवताक मेघवादक। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, नवताक में इबादत पाठ के केंद्र में हैं ए बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खां, सी जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी बिस्मिल्लाह खां। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, बी दर्भवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ए संबंधवाचक। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 बेटे की माँ है कौन है? ए मंगम्मा, बी सीता, सी लक्ष्मी, डी पपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सीता, 38 का बी सीता। 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है ए वह, बी अच्छा, सी मोहन, डी माता पिता। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए वह। 40 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है ए हिरोशिमा, बी गणतंत्र का जन्म, सी भारत माता, डी मछली। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी गणतंत्र का जन्म। अब देखिए 41 नंबर, द्वंद समास है दशानन, प्रेम सागर, सी दिन रात, डी प्रतिदिन। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी दिन रात, दिन रात हो जाएगा द्वंद समास। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है ए गुच्छा, बी तेल, सी शहर, डी कच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तेल। 43 नंबर देखिए, सरहपात की कृति है ए दोहा कोष, बी पृथ्वी राज रासव, सी मृक्ष कटिंग कम, डी मेघदूतम। तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा ए दोहा कोष। 44 नंबर देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का बी होगा, मध्य प्रदेश। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कविता नहीं है ए बिरज की हत्या, बी लौटकर आऊंगा फिर, सी नवताक में इबादत, डी हमारी नींद। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नवताक में इबादत। 46 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? ए जमुई, बी मुजफ्फरपुर, सी बेगूसराय, डी सीतामढ़ी। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा सी बेगूसराय। अब देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है प्रविशेषण, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी संख्यावाचक। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए प्रविशेषण। अब देखिए 48 नंबर, तार शतक का संपादन किया ए जयशंकर प्रसाद ने, बी महादेवी ने, सी राम इनकलाब सिंह राकेश ने, डी अगे ने। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
डी अगेन। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़े? ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरिधर ने। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए मदन ने। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, जरसाही में थी ए सोवियत रूस, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोवियत रूस। जरसाही शासन कहाँ था? सोवियत रूस में था। आज हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, और आपने जितने सही क्वेश्चन किए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन करे हैं। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।